हम ऐसा मान सकते हैं कि शिक्षा के दो पहलू हैं। ये दो पहलू डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की तरह हैं। एक पहलू है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, और इस पहलू का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान अर्जन, नॉलेज एक्विजिशन। शिक्षा का दूसरा पहलू है कालातीत जीवन कौशल, टाइमलेस लाइफ स्किल्स। ऐसे जीवन कौशल जो हमारी सामाजिक सफलता और लंबी अवधि की खुशी, सुख और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। 21वीं सदी में जब स्वचालित मशीनें और कंप्यूटरीकरण गति पकड़ रहे हैं, तब ज्ञान अर्जन सामाजिक सफलता के लिए आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं है। आज की दुनिया में जिस किस्म की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, व्यक्तिगत तनाव से लेकर आतंकवाद, इनको सुलझाने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलने की सख्त ज़रूरत है। वैश्विक संकट, चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो या वित्तीय, ऐसी शिक्षा को अनिवार्य बनाते हैं जो चरित्र और नैतिकता का निर्माण करने में सक्षम हो। शिक्षा के इस दूसरे अंग का पहला मौलिक तत्व है जिज्ञासा, कुछ नया जानने या सीखने की तीव्र इच्छा। इस नया सीखने की इच्छा का मकसद ज़्यादा कमाना नहीं होना चाहिए, परंतु नया सीखने में जो खुशी मिलती है वह खुशी ही इस जिज्ञासा की उत्प्रेरक होनी चाहिए। जिज्ञासु होना एक शिशु होने के समान है। एक शिशु नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कभी ये नहीं कहता कि मैं ऊब गया। 21वीं सदी में जिस तेज़ गति से ज्ञान में वृद्धि हो रही है, वो आत्मनिर्देशित शिक्षा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, या सीखना सीखने का सामर्थ्य, लर्निंग टू लर्न, को एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल बना देती है। जिज्ञासा आत्मनिर्देशित शिक्षा की आधारशिला है। कालातीत जीवन कौशल का दूसरा मौलिक तत्व है स्पष्टता, क्लैरिटी। जब हमें अपनी दीर्घकालीन आकांक्षाओं की स्पष्टता होती है, तो ये स्पष्टता दैनिक जीवन की गतिविधियों में भी स्पष्टता लाती है। स्पष्टता के लिए आवश्यक है गहरा सोचने की क्षमता। स्वयं गहरा सोचने की क्षमता, लर्निंग टू थिंक, जीवन कौशल के लिए अनिवार्य है कि हम सबसे पहले समझें कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी धारणाएं रचते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करती हैं, कैसे हमारे अवचेतन, सबकॉन्शियस, हमारी सोच को परिवर्तित करता है, कैसे हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस, हमारे को पक्षपाती बनाते हैं, और ये सब जानकर कैसे हम कुछ नया और रचनात्मक सोच सकते हैं और कैसे हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। हमारी दीर्घकाल की खुशी, सुख और कल्याण भी हमारी स्पष्टता पर ही निर्भर करते हैं। इसमें सबसे पहले है स्पष्टता हमारे प्रयोजन और हमारे आशय, इंटेंशंस की। वो हमारी अंदरूनी मंद आवाज़ जो हमें हमारे असली इरादों के बारे में सचेत करती है, उस आवाज़ को नज़रअंदाज करने के बनस्पत हम में उस मंद आवाज़ को ध्यान से सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए। अपने असली इरादों और प्रयोजनों के बारे में अवगत होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक कर्म करने के पीछे हमारी नीयत क्या थी, ये नीयत ही निर्धारित करती है कि उस कर्म का हम पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। ये आशय और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का जो चक्र है, यही धीरे धीरे हमारे परिपेक्ष्य, पर्सपेक्टिव और जीवन अनुभव को रचता है। अच्छे इरादों के साथ किए कर्म के सामाजिक परिवर्तन तो प्रतिकूल हो सकते हैं, पर ऐसे कर्म के मानसिक अवशेष मनोवैज्ञानिक रूप में हमारे लिए सकारात्मक ही होते हैं। हमें जीवन संतुलन के बारे में भी स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे जीवन के कई आयाम हैं। अगर जीवन एक पहिए के समान है, तो ये आयाम पहिए को आकार देने वाली छड़ें हैं, स्पोक्स ऑफ द व्हील ऑफ लाइफ। एक छड़ है सामाजिक सफलता, सोशल सक्सेस, पैसा, ताकत, यश। एक छड़ है हमारा अच्छा स्वास्थ्य। एक छड़ है आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। हमारा परिवार और रिश्ते एक और छड़ है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी अधिकतर जीवन शक्ति सामाजिक सफलता हासिल करने में ही लगा देते हैं और अन्य आयामों में कम ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति में मान्य है कि आपके जीवन चक्र की छड़ें एक बराबर नहीं होंगी और इस कारण
ये जीवन चक्र एक विकृत रूप ले लेगा और असंतुलित हो जाएगा। आप इस विकृत असंतुलित जीवन चक्र को घुमाकर अपने जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ा सकते हैं, पर इस स्थिति में जीवन चक्र को घुमाने में बहुत ताकत लगेगी और जिंदगी का सफर दुखद हो जाएगा। स्पष्टता का तीसरा तत्व है नैतिकता, एथिक्स। चाहे वो रोजमर्रा की कार्रवाई हो या जीवन लक्ष्य का अनुसरण, हमारे सारे कर्म नैतिक होने चाहिए। नैतिकता केवल समाज सुधार के लिए ही आवश्यक नहीं है, पर नैतिक कर्म हमारे अपने मनोवैज्ञानिक संतुलन को भी कायम रखते हैं। कालातीत जीवन कौशल के अगले दो तत्व हैं एकाग्रता या केंद्रित रहने की क्षमता, फोकस, और कड़ी मेहनत करने की लगन। हमारा दीर्घकालीन सुख और हमारी सामाजिक सफलता भी इन दो तत्वों पर निर्भर करती है। एकाग्रता और केंद्रित रहने की क्षमता का तात्पर्य है कि जब हमें अपना जीवन लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो हमें अपना सारा सामर्थ्य और शक्ति इसी लक्ष्य की पूर्ति में लगानी चाहिए, और अगर कोई परिस्थिति इस एकाग्रता को मंद करे तो जितनी जल्दी हो सके हमें अपना ध्यान अपनी जीवन आकांक्षाओं पर वापस ले जाना चाहिए। हमें आकस्मिक अवसरों का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, पर यह नहीं होना चाहिए कि हम केवल ऐसे अवसरों पर ही निर्भर रहें और हमारा अपना कोई जीवन लक्ष्य ना हो। कड़ी मेहनत हमें पूरे उत्साह के साथ करनी चाहिए। हम कर्म करने के लिए तब उत्साहित होते हैं जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू डू एन एक्ट। अगर हम किसी इनाम से प्रेरित होकर या किसी सजा के डर से कर्म करते हैं तो उसमें एक उत्साह, एक उमंग गुम हो जाती है। जैसे कि अगर हम कुछ नया सीखते हैं क्योंकि नया सीखने में हमें आनंद मिलता है तो हम आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, पर अगर हम पढ़ाई इम्तिहान के डर से या ना पढ़ने पर जो डांट पड़ेगी उससे बचने के लिए करते हैं तो ऐसी पढ़ाई एक उत्साहहीन कर्म होगी। सामाजिक सफलता के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम में दूसरे को ध्यान से सुनने की क्षमता हो, साथ ही साथ हम में ये सामर्थ्य भी हो कि हम अपने विचार, अपनी कल्पना, अपना परिपेक्ष स्पष्ट और प्रबल रूप से प्रस्तुत कर सकें। आज की डिजिटल दुनिया में जब जानकारी की भरमार हो गई है, अपनी आवाज़ दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें एक अच्छा कथाकार बनने की आवश्यकता है। ऐसा कथाकार जो मल्टीमीडिया का ठीक उपयोग कर अपनी बात एक दिलचस्प कहानी की तरह प्रस्तुत कर सकता है। दूसरे की बात ध्यान से सुनने का सामर्थ्य हमें संवेदनशील भी बनाता है। संवेदनशीलता और विविधता स्वीकार कर संपन्न होने का सामर्थ्य, यह सहकार्यता या कोलैबोरेशन के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। संवेदनशील सहकार्यता, एम्पैथेटिक कोलैबोरेशन, 21वीं सदी का एक और मौलिक जीवन कौशल है। वित्तीय निपुणता, फाइनेंशियल लिटरेसी, और लर्निंग टू अर्न सामाजिक सफलता का एक और तत्व है। वित्तीय निपुणता के लिए आवश्यक है कि हम समझें समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का सृजन कैसे होता है, हाउ इज़ वैल्यू क्रिएटेड। विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रैटिफिकेशन क्या है, कैसे विलंबित संतुष्टि के लिए आत्मसंयम ज़रूरी है, भय और लालच, फियर एंड ग्रीड की भावना कैसे हमारे संयम को असंतुलित करती है, जोखिम और इनाम, रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्या तालमेल है, निवेश कैसे करते हैं और कैसे उचित निवेश से निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम उत्पन्न होती है। समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का सृजन करके या ऐसी गतिविधियों का निवेश के द्वारा समर्थन करके जब हम धन कमा लेते हैं तो हमें ये भी सीखने की आवश्यकता है कि कैसे अपनी संपदा का कुछ भाग इस भांति दान करें कि इससे समाज की अधिकतम भलाई हो, मैक्सिमम सोशल इम्पैक्ट। ऐसे कुशल परोपकार की कला सीखना, लर्निंग टू गिव, एक और महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। कालातीत जीवन कौशल के आखिरी दो मौलिक तत्व हैं विनम्रता और कृतज्ञता, ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। भागवत गीता में लिखा है कि निष्काम कर्म ही आदर्श कर्म है। ऐसे कर्म का उद्देश्य अपने निजी स्वार्थ से बहुत बढ़कर होता है। जब हम अपने जीवन में एक महान लक्ष्य साधते हैं तो फिर हमें उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए
अपने निजी लाभ या निजी हानि से नहीं प्रेरित होना चाहिए। हमें सर्वदा कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमें यह जीवन मिला। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को और सुंदर बनाएं, हमारा चित्त शांत और संतुलित हो और हम परम आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कालातीत जीवन कौशल है। सारांश में, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, आजीवन नया सीखने के सामर्थ्य की आधारशिला हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी और केंद्रित रहने की क्षमता, फोकस, गहरी रचनात्मक और विवेकपूर्ण सोच के आधार हैं। हमारी खुशी हमारे उत्साह और कड़ी मेहनत करने के सामर्थ्य पर निर्भर है। दूसरे की बात ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता और अपनी बात स्पष्ट और प्रबल रूप से कह पाने की क्षमता कालातीत जीवन कौशल के दो और तत्व हैं। 21वीं सदी की सिकुड़ती दुनिया में संवेदनशील सहकारिता और विविधता में संपन्न रहने का सामर्थ्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। वित्तीय निपुणता सामाजिक सफलता की कुंजी है। एक सफल जिंदगी का लक्ष्य केवल ज़्यादा कमाना ही नहीं, पर हमें ये भी सीखना चाहिए कि कमाए धन के कुछ भाग को हम इस तरह समाज सुधार पर लगाएं कि अधिकतम परोपकार हो। आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे जीवन लक्ष्य साधें जो हमारे निजी स्वार्थ से बहुत बढ़कर हों। कालातीत जीवन कौशल के ये मौलिक तत्व हैं और ये आवश्यक है कि आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्चन ही नहीं हो। कालातीत जीवन कौशल को शिक्षा का दूसरा पहलू बनाना ज़रूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में सामाजिक सफलता और हमारा दीर्घकालीन सुख, कल्याण और आनंद इन कालातीत जीवन कौशल पर ही निर्भर है।